हिंदुस्तान के अंदर बड़े छोटे मोटे कम ज्यादा मिला के न जाने कितने ही घोटाले किए गए हैं, पर उन घोटालों में से एक घोटाला जो कि था 2003 का स्टैम्प पेपर घोटाला, यानी अब्दुल करीम तेलगी एक आम इंसान जिसका दिमाग शायद उससे बहुत ज्यादा आगे चलता था और उसने गवर्नमेंट को 30,000 करोड़ का बहुत बड़ा झटका दिया था, जो कि अब वेब सीरीज के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है। बकायदा फुल डिटेल के अंदर उस स्टोरी को समझाया गया है जो कि वेब सीरीज में दिखाया जाएगा 10 एपिसोड्स के अंदर, बट मेकर्स ने हमें सिर्फ और सिर्फ 5 एपिसोड्स अभी दिखाए हैं और 5 एपिसोड्स हमें देखने मिलेंगे नवंबर के महीने में, जो कि सोनी लिवैप पर अभी टेलीकास्ट हो चुका है। देखो कल लगभग इस वेब सीरीज को रिलीज तो किया गया, बट जिस उम्मीद से हम इस वेब सीरीज को देख रहे थे कि इस वेब सीरीज की स्टोरी का अंत भी हमें देखने को मिलेगा, मेकर्स ने वहाँ पे हमें बहुत बड़ा झटका दिया है और गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया है। क्योंकि दोस्तों लिटरली यार मज़ा आना स्टार्ट ही होता है उसके बाद हमारे डिस्प्ले पे आ जाता है टू बी कंटिन्यूड, और सेकंड वॉल्यूम जो है इसका हमें नवंबर महीने में इसी साल देखने के लिए मिलेगा। बट उन सब चीज़ों से हटके अगर मैं बात करूँ अब्दुल करीम तेलगी, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा था उस टाइम पर, उस घोटाले की अगर हम बात करें इस वेब सीरीज के अंदर वो घोटाला तो दिखाया गया है, बट उसके साथ साथ जिस तरह से कैरेक्टर के आसपास के एरियाज को पकड़ा गया है, चाहे वो लैंग्वेजेस की बात हो चाहे लोकेशंस की बात हो, और जो इसके मेन लीड में हमन गगन देव सर देखने के लिए मिले हैं, मतलब एक नया चेहरे को किस तरह से परफेक्टली प्रेजेंट किया जाता है वो हर्षल मेहता से सीखना चाहिए, जो कि वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं, जो कि 1992 स्कैम 1992 के भी रहे। अब देखो इनसे और उनकी कोई कनेक्शन नहीं है कि 1992 से कनेक्टेड है ये वेब सीरीज, अभी ये एकदम अलग स्टोरी है, नई स्टोरी है और रियल स्टोरी है। जिस तरह से इसमें दिखाया जाता है कि आम आदमी जो कि बीकॉम की डिग्री लेने के बाद भी ट्रेन में स्टेशन में फल बेचता है, फ्रूट बेचता है, उसके बाद एक अच्छी नौकरी भी लग जाती है, बट वो पैसे की भूख होती है ना, वो इंसान को चैन से नहीं बैठने देती और उसका दिमाग दौड़ता है और वो कर जाता है 30,000 करोड़ का घोटाला, जो कि इस वेब सीरीज के अंदर 5 एपिसोड्स के लगभग 50 मिनट के टाइम पर काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मतलब काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से पकड़ा गया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस वेब सीरीज़ की, जिस तरह से स्टोरी प्रेजेंट की गई है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है, जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है, एक्टर्स की जितनी भी एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, साथ साथ डायरेक्शन काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बीच में आपको थोड़ी थोड़ी जगह पे ये वेब सीरीज बोर करती है, बट अगर कंपैरिजन की हम बात करें स्कैम 1992 से, तो भैया ये वेब सीरीज उससे थोड़ी कम नजर आती है, बट हाँ ये कुछ अलग नजर आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये उससे बेकार है, मुझे भी ये वेब सीरीज काफी पसंद आई और इन 5 एपिसोड्स को अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो मैं देना चाहूंगा 5 में से 3.5। चाहे इस वेब सीरीज को मुझे लगता है आपको जरूर देखना चाहिए, और अगर आप प्लान करते हैं कि पूरा का पूरा एपिसोड आप एक साथ देखेंगे, पूरी स्टोरी एक साथ देखेंगे, तो 2 महीने का पहले इंतजार कर लीजिए और एक साथ 10 के 10 एपिसोड देख लेना। बट अगर आप 5 एपिसोड देखना चाहते हैं तो सोनी लिवैप पर अभी ये स्ट्रीमिंग कर रही है, जाके इस वेब सीरीज को जरूर चेकआउट करो, आपको अच्छा कॉन्टेंट देखने के लिए मिलेगा। मुझे ये कॉन्टेंट काफी पसंद आया, अगर आपने देख लिया तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये कॉन्टेंट, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।